Bismillahir Rahmanir Rahim. Welcome to Tamir-e Watan Public School and College, Aptabad and Mansehra campus. I am Danish Azad, here your mathematics teacher for grade 7th. Today we are going to start our first lesson, first lecture. So we will start unit number 1, which topic is sets. So we have today's video, we will study first the introduction of the sets. उसके बाद definition of the sets, उसके बाद हम पढ़ेंगे descriptive form of the sets. Actually, there are three ways to express a set. You have already studied these forms of the set. तो first of all, जो हमारे पास पहली है, वो descriptive form of a set है. उसके बाद जो second है, वो tabular form of set है. और उसके बाद जो third है, वो set builder form of the set है. One by one, we will study each and every ways and method of writing a set. So first of all, आपने अपने घर में मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ जगहों पर लव्स सेट सुना होगा, जैसा कि डिनर सेट आपने अक्सर सुना होगा. ये डिनर सेट आप यूज करते हैं खाने के बर्तन. और उसके बाद दूसरी चीज आपने अक्सर सुना होगा कि बुक्स का सेट. फॉर एग्जांपल, व्हेन यू आर कमिंग टू स्कूल, जब आप स्कूल आ रहे थे तो आप स्टेशनरी पे गए होंगे. फिर आपने स्टेशनरी पे जाके अपने शॉपकीपर को ये भी कहा होगा कि हमें 7th क्लास की बुक्स चाहिए. तो मे बी के स्टेशनरी जो है, जो शॉपकीपर है, उसने रिप्लाई किया होगा, डू यू वांट टू द कंप्लीट सेट ऑफ क्लास 7th बुक्स और सम पार्टिकुलर बुक्स. उन्होंने पूछा होगा कि कंप्लीट सेट चाहिए. देखें, अब ये यहां पर भी वर्ड सेट यूज हुआ. इसके बाद आपने सुना होगा घर में कि सोफा सेट. यू हैव ऑलरेडी हियर अबाउट दीस थिंग्स एंड फैमिलियर विद दीस कॉन्सेप्ट. तो आमतौर पर ये जो सेट से मुराद है कि पेयर में कोई चीज हम इकट्ठी कर लें या किसी चीज की गैदरिंग को हम सेट कहते हैं. बट इन मैथमेटिक्स द वर्ड सेट यूज इन वेरी ब्रॉडर सेंस. फॉर एग्जांपल, यू आपने सुना होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स का सेट जो कि 1 से स्टार्ट होता है और अप टू सो ऑन, 1 2 3 4 5 6, ये जो नंबर्स हैं जिनको हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स का सेट होता है. और आपने ये भी सुना होगा द सेट ऑफ द पाकिस्तानी प्रोविंसेस, कि पाकिस्तान के जो प्रोविंसेस हैं उनकी तादाद कितनी है, उनका सेट पूरा. तो उनके सेट में कितने आते हैं, तो आपको पता है कि पाकिस्तान के 5 सूबे हैं, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, केपी, कैंट, गिलगित, बल्तिस्तान. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड सेट, के सेट की डेफिनेशन क्या है. तो डेफिनेशन मैथमेटिक्स में जो सेट की डेफिनेशन है वो हम यूं करते हैं कुछ. अ सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. आई रिपीट, a set is the collection of well defined and distinct objects. जो हमारे पास set है वो collection होती है किसकी, well defined and distinct objects की. अब आपको set की definition को याद रखने के लिए तीन चीजों का ज़हन में लाज़मी होना ज़रूरी है. सबसे पहली चीज़ collection, number 2 well defined and third distinct. अब मैं वन बाय वन इन तीनों चीजों को explain करूँगा कि what does the word collection mean, what does the word well defined mean in this definition, and what is the meaning of word distinct. और सबसे पहले हमारे पास क्या है, तो collection है. तो dear students, क्या आप मुझे बता सके हैं कि collection का मतलब क्या है? Yes, तो collection का मतलब है to collect together, कि collection करना, इकट्ठा करना, gather करना चीजों को, मुख्तलिफ objects को एक जगह के ऊपर, एक place के अंदर. जैसे कि आप एक basket में बॉल्स कलेक्ट कर रहे होते हैं, इसी तरह कलेक्शन. दूसरा हमारे पास वर्ड है वेल डिफाइंड. वेल डिफाइंड का मतलब है बिलोंग्स टू द सेम फैमिली. इस सिनेरियो में, इस डेफिनेशन में वेल डिफाइंड का मतलब है बिलोंग्स टू द सेम फैमिली. जो थर्ड वन है वो है डिस्टिंक्ट, एंड डिस्टिंक्ट से मुराद है डिफरेंट, मुख्तलिफ. अब मैं आपको इन तीनों चीजों की, इस कलेक्शन की, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट की एग्जाम्पल्स दूंगा कि कैसे ये कलेक्शन सेट जो है वो कलेक्शन होती है, वेल डिफाइंड होता है और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले है कलेक्शन, कि सबसे पहले ओके, नाउ अगर आपसे कोई पूछता है इज देयर इज एनी क्वेश्चन रिटन इन योर बुक और इन योर पेपर दैट एंड आस्किंग वेदर इट इज अ सेट और नॉट, कि आपसे पूछा जाता है कि क्या ये सेट है या नहीं है, देन यू मस्ट नो द 3 प्री रिक्विजिट कंडीशन ऑफ द सेट्स. That first is collection, the second is well defined, and the third one is distinct, or collection, distinct, or well defined. You must have to check all these conditions. If any set, any given question satisfy all these conditions, then you may say that this is the collection of the, this is a set. So
What is the word collection? You know, you can see on the screen that let us suppose we have a set A is equal to 1, 2, 3, 4, 5. यहाँ पे हमारे पास एक सेट है जिसमें हमारे पास पांच एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5. अब यहाँ पे देखें, ये जो सेट A है इसको हमेशा कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, और जो सेट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, जो नंबर्स होते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको हम एलिमेंट्स भी कहते हैं और मेंबर्स भी कहते हैं. तो यहां पे देखें, इसकी पहली कंडीशन है कि ये हमारे पास कलेक्शन ऑफ नंबर्स है. ओके, नेक्स्ट थिंग, ये हमारे पास डिस्टिंक्ट. क्या डिस्टिंक्ट से क्या मुराद है? लेट्स सपोज कि आपको एक क्वेश्चन दिया होता है कि ए एक सेट है आपके पास जिसमें आपके पास फाइव एलिमेंट्स हैं, तो बताएं क्या ये सेट है या नहीं है. देखें, 1, 2, 3, 3 एंड 4. तो डियर स्टूडेंट्स, क्या ये सेट है? देखते हैं. नो, यस, इट इज द कलेक्शन ऑफ द सेट, बट इज नॉट अ सेट. ये सेट नहीं है. पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि ये कलेक्शन है, हमने कलेक्शन की है डिफरेंट नंबर्स की, डिफरेंट नेचुरल नंबर्स की, बट इसमें डिस्टिंक्ट नहीं है क्योंकि 3 और 3 रिपीट हो रहा है. बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर नॉट डिस्टिंक्ट, 3 इज रिपीटेड. सो जब भी किसी सेट के अंदर कोई ऑब्जेक्ट्स रिपीट हो रहे हों तो ये आपके पास सेट नहीं होता. इसके बाद हमारे पास होती है थर्ड चीज, वेल डिफाइंड. लेट्स सपोज वी हैव अ सेट ए जिसमें हमारे पास पांच सिक्स एलिमेंट हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5, और उसके बाद हमने एक इंट्रोड्यूस किया है स्मॉलर अल्फाबेट ए. अब देखें, सेट को हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल अल्फाबेट से, और जो सेट के अंदर मेंबर्स या एलिमेंट्स हैं उनको हमेशा आप स्मॉलर अल्फाबेट लिखेंगे. अब इसके पास देखें, हमारे पास ये सेट ए है. इस पे पहली कंडीशन आप देखें कि क्या ये कलेक्शन है? यस, दिस इज द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. उसके बाद क्या ये डिस्टिंक्ट है? यस, ऑल ऑफ दीज आर डिस्टिंक्ट. अब देखें, हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसमें बी एक हमारे पास सेट है जिसमें हमारे पास पांच वॉल्स हैं, और उसके बाद एक 3 इंट्रोड्यूस किया हुआ है हमने. तो ये देखें, पहली कंडीशन इस पे भी अप्लाई होती है, ये भी कलेक्शन है, ये भी डिस्टिंक्ट है, बट आर दीज आर सेट? नो, दीज आर नॉट सेट, एंड बी आर नॉट सेट बिकॉज दीज आर नॉट वेल डिफाइंड. यहाँ पे जो ए है सेट ए में, तो ये अपनी बाकी मेंबर्स को बिलोंग नहीं करता, फैमिली को बिलोंग नहीं करता. और सिमिलरली जो बी है इसमें जो 3 है ये बाकी वॉल्स को बिलोंग नहीं करता. ओके, नाउ आपने मुख्तलिफ एग्जाम्पल सुनी होगी, यू हैव सीन डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ सेट. फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहली एग्जाम्पल आप शुरू से पढ़ते आते हैं छोटी क्लासेस से, जिनमें सबसे पहले आपको कहा जाता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. देखें, ये उसके बाद होता है सेट ऑफ होल नंबर्स जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन. उसके बाद आपके पास होता है सेट ऑफ इंटीजर्स जिसमें आपके पास पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं. इसके बाद आपके पास होता है सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, ऐसे नंबर्स जो कि 2 के मल्टीपल हों उन्हें इवन इंटीजर्स कहा जाता है. इसके बाद आपके पास होते हैं सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स जिसको आप ओ से रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट देखिए, अब ये हैं मुख्तलिफ सेट्स. अब देखें, लेट्स सपोज आपके पास एक सेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. देखिए, आपने यहाँ पे लिखा हुआ है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. अब नीचे मैंने इसी को लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4 क्योंकि ये नेचुरल नंबर्स का सेट है. तो ये मैंने एक ही सेट को 2 फॉर्म्स में लिखा है. अब सिमिलरली आपके पास सेट है W, सेट ऑफ होल नंबर्स. तो ये आपके पास एक दूसरा सेट है, इसको आप जब ओपन करके लिखेंगे, क्लियरली लिखेंगे, तो ऐसे लिख सकते हैं W इज अ सेट विच कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन. नाउ एक्सप्रेसिंग अ सेट, आप सेट को एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं कि आप सेट को अपनी बुक्स या कॉपीज में कितने मेथड से लिख सकते हैं? आया कि एक सेट को आप एक ही मेथड से लिख सकते हैं या एक से अलावा 2 ज्यादा मेथड भी हैं? तो ये देयर आर 3 वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग अ सेट. जो सबसे पहले है उसे कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ अ सेट, कि सेट कौन सी फॉर्म में लिखा हुआ है, आइए ये डिस्क्रिप्टिव है या कोई और है. नेक्स्ट आपके पास होता है टेबुलर फॉर्म ऑफ अ सेट. देखें, सबसे पहली चीज होती है डिस्क्रिप्टिव. डिस्क्रिप्टिव नाम से ही जाहिर है कि इसमें कुछ डिस्क्रिप्शन होगी, कुछ डिस्क्राइब हो रहा होगा. अब दूसरा है टेबुलर फॉर्म. टेबुलर फॉर्म मींस सम टेबल, सम लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, सम लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स और कॉलम्स. ठीक है, अब जो फर्स्ट है उसमें कुछ डिस्क्राइब किया होगा आपने, सेकेंड है वो किस फॉर्म में होगी सोचें जरा, क्योंकि इसमें टेबल होगा. एंड द थर्ड जो है आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म है. ओके, अब देखें, सबसे पहले हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है. डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को हम डिफाइन करते हैं या स्टेटमेंट उसकी क्या है. अब देखें, सबसे पहले आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है. इफ अ सेट इज डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट, इफ द सेट इज डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट, इट इज